हैवानों और कातिलों को किसी मजहब से ना जोड़ा जाए, मुजरिम जो भी हो उसे किसी कीमत पर ना छोड़ा जाए। हम दिलाएंगे गुनहगारों को सजा। आप देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विजय। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खास खबरें। बंगाल में टीटगढ़ में लकड़ी समझकर तापने के लिए लगाई आग में डाला बम, हुआ ब्लास्ट, बच्चा घायल। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के केटीटागढ़ में आग तापने के दौरान लकड़ी समझकर बम डालने से ब्लास्ट हो गया है। इसमें एक बालक घायल हो गया। बुधवार की शाम टीटागढ़ थाने के पास में उड़ोन पाड़ा करबला इलाके में यह घटना घटी। पुलिस के मुताबिक आग बुझती देखकर 11 साल के मोहम्मद अप्रोच ने वहां पड़ी कुछ ईंटों के बीच से लकड़ी के टुकड़े समझकर बम उठाया और आग में डालने की कोशिश की। इसी दौरान ब्लास्ट हो गया, उसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उसके पैर से लेकर चेहरे तक झुलस गया बच्चा, बाया हाथ भी उड़ गया। उसे बैरकपुर बीएन बसु अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, लेकिन बाद में हालत बिगड़ने पर लड़के को आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे जब बम फटा तो इलाके में काफी लोग थे, लेकिन अफरोसोन थोड़ी सी खाली जगह ठंड में आग तापने के लिए आग सुलझाई थी। अफरोज ने उस समय उसके साथ ही आसपास थे, उसके सामने बम फटने से वह सबसे ज्यादा घायल हो गया। खबर पाकर गांव के जनप्रतिनिधि व पुलिस अधिकारी आ गए। टीटागढ़ के पार्षद और पूर्व मेयर प्रशांत चौधरी का दावा है टीटागढ़ अब अपराधियों के लिए फ्री जोन है, हम बमों और बारूद के ढेर पर है। दिल्ली में फिर सूटकेस में मिली महिला की लाश, अब तक नहीं हो सकी पहचान। तफ्तीश में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम। नई दिल्ली वेस्ट दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में बुधवार शाम को एक सूटकेस में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। तफ्तीश के लिए मौके पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। पुलिस टीम ने सूटकेस खोलकर देखा गया तो उसमें एक महिला की लाश खड़ी में लाश सड़ी गली हालत में मिली। अभी तक महिला की पहचान नहीं हो सकी है। महिला की उम्र 28 से 30 साल के आसपास बताई जा रही है। सूटकेस में लाश होने की वजह से मामले के हत्या की बात साफ तौर पर नजर आती है। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार महिला की डेड बॉडी रिंग रोड के पास एक गंदे नाले में मिली। बताया जा रहा है कि यह नाला नजफगढ़ ड्रेन का हिस्सा है। इसी के बारे में सूटकेस में महिला की लाश मिली। पुलिस लाश के हालत देखकर आशंका जता रही है कि हत्या भी 8 से 10 दिन पहले की गई होगी। हो सकती पुलिस के अनुसार लाश की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालांकि अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस की शुरुआती चुनौती महिला की पहचान को सुनिश्चित करना है। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कहीं और की गई और डेड बॉडी कम करने के लिए नजफगढ़ ड्रेन के किनारे फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। प्रॉपर्टी को लेकर पारिवारिक विवाद, तीन भाइयों के बीच जमकर हुई मारपीट। दिल्ली के सदर बाजार थाना इलाके में प्रॉपर्टी को लेकर पारिवारिक विवाद हो गया। इसमें तीन भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई को चोटें भी है। नई दिल्ली के सदर बाजार थाना इलाके में प्रॉपर्टी को लेकर तीन सगे भाइयों में विवाद हो गया। एक अन्य शख्स के कार्यालय में तीनों भाइयों के बीच मारपीट हो गई। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तरी जिले के DCP सागर कतली कलसी ने बताया कि सदर बाजार इलाके में रहने वाले एक परिवार के तीन सगे भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद छिड़ गया। निपटारे के लिए इलाके के ही रसूखदार व्यक्ति इमरान इस्माइल के ऑफिस पर इकट्ठा हो गए। इस बीच तीनों भाई आमिर, हाजी वसीम और उनकी पत्नी रूबी के बीच झगड़ा हो गया। इस झगड़े में हाजी अहिम के बेटे नईम के चेहरे पर चोटें आई। इस झगड़े का एक वीडियो भी सामने आया है। इसकी सूचना
पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी से पूछताछ कर रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खास खबरें। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS News।